ये राज्यसभा में जो तलाक बिल को लेकर के गया मामला, क्या लग रहा पास हो पाएगा? और वहीं बेनी प्रसाद ने बोला है स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। अब बेनी प्रसाद जी ने क्या बोला वो जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे। अगर आज ये सफल भी हो गए संख्या के बल पर, तो अगले 2-3 महीने में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, आज जिस तरह से विपक्ष की खस्ता हालत हुई है, राज्यसभा भी लोकसभा की तरह नरेंद्र मोदी के साथ चलेगा। राष्ट्रपति भी उनका, उपराष्ट्रपति भी उनका, लोकसभा भी उनकी, राज्यसभा भी उनका। देर कर सकते हैं, आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में देर है, मोदी के राज में अंधेर नहीं है। दलित को लेकर के जो महाराष्ट्र में मामले हैं हुए हैं, उस पे बीजेपी पे आरोप मढ़ा जा रहा है कि उन लोगों के कारण हुआ। लास्ट क्वेश्चन ये, मुजफ्फरनगर में अखिलेश, गुजरात में मोदी जी, कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता हिंसा अपने राज्य में नहीं चाहता। उपद्रव कोई कराता नहीं, हो जाता है। उपद्रव के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। इसका विश्लेषण आग को ठंडा करने के बाद करना चाहिए। आज के दिन सभी जिम्मेदार नेताओं को बोलने से बचना चाहिए और तनाव की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर खून बहेगा तो खून आदमी का बहेगा, हिंदू का खून है न मुसलमान का खून है। ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का खून है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।